हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ थोड़ा सीरियस है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि इंडिया में मेडिकल इमरजेंसी लग जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो गई है। यहाँ पे सर्वाइवल टफ होते जा रहा है। मतलब हो सकता है लोगों को आइडिया ना हो, लेकिन सर्वाइवल टफ होते जा रहा है। ये वैसा कोरोना नहीं है जैसा आपको लगता था, कि आपको पिछली बार जो लग रहा था कि कोरोना वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम लोग अपने बाजू से गुजर जाते थे और इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अभी जो कोरोना वाला जो पार्ट है, जो कोरोना पार्ट टू है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते, इतना डेंजरस है। बहुत कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और पूरे इंडिया के हर स्टेट में जा रहा है। सीजी की तो हालत एकदम ही खराब है, यहाँ तो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, एकदम बद से बदतर सिचुएशन होते जा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस बारे में बात उठाया हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, उतनी अच्छे वे में नहीं है। भले चाहे हम कितना भी बोले कि हम कुछ सालों में बहुत मेडिकल इम्प्रूवमेंट कर लिए, वो मीडिया के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट कर लिए। जब कोरोना वाला पार्ट था तो जब ये कोरोना वाला पार्ट डोमिनेटिंग नहीं था अभी लास्ट 6 मंथ से, तो हम बहुत सारा कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन बनना बंद हो गई थी, बहुत सारे इंजेक्शन बनना बंद हो गए थे, जो भी कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन जो बेड थे वो भी कम हो गए थे, नंबर्स कम हो गए थे। तो मेरे को लगता है कि कोई केयर नहीं किया। इसमें गवर्नमेंट की लापरवाही है, स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही है। जब भी कुछ अच्छा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारा अपना क्रेडिट ले लेती है। लेकिन जब अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी नीड है कि मोदी जी आके बात करें, लेकिन वो बंगाल इलेक्शन में बिजी है, सबको मरने के लिए छोड़ दिए। उनको लगता है कि ठीक है, देखा जाएगा, अभी वो बंगाल इलेक्शन खत्म होने के बाद हमको बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, है ऐसे गार्जियन समान बात करेंगे। ऐसा लगेगा कि उनसे ज्यादा फिक्र तो इंडिया को किसी की नहीं है, है सबसे ज्यादा फिक्र तो उन्हीं को है हमारी। हमारे मरने जीने में क्या फर्क पड़ता है, रो देंगे वो लोग तो मीडिया में आके, वो तो रो देंगे। और फिर मीडिया दिखाएगी कि मोदी जी देखो रो रहे करके, उनको देश की कितनी चिंता है, और ऐसी चिंता किसी को नहीं है। तो अभी ना इतना मूड खराब है, इतना बोलने का मन कर रहा है कि और दिल से भी बहुत खराब लग रहा है, बहुत पेन हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि पूरा ही जितना सोसाइटी है वो पैनिक हो रहा है, सच में डरे हुए लोग हैं। अभी आपको अभी पता होगा कि RT-PCR का जो एक कोरोना के लिए जो टेस्ट होता है, मेरे नोन में ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों का RT-PCR का जो रिपोर्ट था वो नेगेटिव आया, लेकिन उनको कोरोना था, तो RT-PCR की रिपोर्ट भी डिडक्ट नहीं कर पा रही अभी एट प्रेजेंट में। मतलब 10 लोगों को अगर कोरोना है तो हो सकता है कि 7 रिपोर्ट में वो दे दे कि RT-PCR में कोरोना दे दे, लेकिन 3 रिपोर्ट में नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद भी कोरोना 10 आउट ऑफ 10 वो 7 रिपोर्ट सही दे रहा है। तो मान लो कि ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसको कोरोना है उसको अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो घूम रहा है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, इस बार कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है। अभी कुछ दिनों से CG में एक इंजेक्शन आप जो सुन भी रहे होंगे बहुत सारा, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन सुन रहे होंगे, तो रेमडेसिविर एक इंजेक्शन जो सुन रहे होंगे वो भी मिल नहीं रहा था। इवन इंडिया में जान लोगों की लगी हुई और लोग वर्स सिचुएशन में आ रहे हैं, लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा है, लोग ब्लैक में बेच रहे, लगभग वो 3-4 हजार का इंजेक्शन 10 हजार में बिक रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। और कुछ लोगों की जान इससे चली भी गई, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उससे जान चली भी गई। और कुछ दिन पहले, तभी तो CG में आ गया है, आज या कल में आ गया है, लेकिन कुछ दिन पहले तक वो भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतनी मेडिकल इमरजेंसी लग गई है और मीडिया इस बारे में उतने अच्छे से बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी की साइड से अभी तक मिला नहीं है। वो लोग स्टेट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे स्टेट पे, स्टेट की मिस्टेक तो है नो डाउट, लेकिन सभी लोगों की मिस्टेक्स है। वो लोग पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं, जैसे CG का रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलते, वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलते, और स्टेट गवर्नमेंट की मिस्टेक है। अभी ऑक्सीजन बेड की इतनी कमी है, कल ही हम लोग बात कर रहे थे, मेरे नून में किसी को नीड थी, मेरे फैमिली में किसी को नीड थी, तो ऑक्सीजन बेड के लिए इतना सारा ट्राई किया गया। यकीन मानिए कि सिचुएशन ये थी कि पूरी भिलाई सिटी में एक भी ऑक्सीजन बेड नहीं था, जबकि मनी का प्रॉब्लम नहीं था, कितना भी वो लेते 5 टाइम्स 6 टाइम 10 टाइम्स लेते तो भी ऑक्सीजन बेड नहीं था। अभी मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, आपको पता नहीं चल पा रहा हो। यकीन मानिए इतनी सिचुएशन टफ है कि आपके पास अगर पैसा भी होगा, 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी होगा, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, और यकीन मानिए आप जान नहीं बचा पाओगे। इतना ऐसा आप कभी नहीं सोचे होंगे,
आप चिल्लाते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके आसपास के लोग जब निपट जाएंगे, आप जिनसे प्यार करते हो, आप उनसे लास्ट मोमेंट पे मिल भी नहीं पाओगे, बॉडी भी नहीं मिलेगी और सीधे हॉस्पिटल से सीधे बॉडी चली जाएगी, आपको ऐसा कोई मिलने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। अभी 24 घंटे पहले ही एक जिसे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है उसके बाद ना एक लास्ट क्रिटिकल स्टेज पे एक इंजेक्शन रहता है, सिप्ला का एक इंजेक्शन आता है, टोसिल जुमेब करके कुछ एक है, मतलब एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा एक इंजेक्शन है सिप्ला का जो लास्ट स्टेज में लगता है, जिसकी नीड थी वो पूरे सीजी में अवेलेबल नहीं था। हम लोग बहुत ट्राई किए, हमारे एकदम खास परिचित को नीड थी और पूरे सीजी में नहीं था, मुंबई में एक जगह वो इंजेक्शन था, 40,000 का एक इंजेक्शन आता है और उसको परचेज भी करना चाहते थे लेकिन नहीं मिला, ये कल रात की बात है। और अब वो आंटी जी जिनके लिए हमको चाहिए था वो नहीं रही, तो आप मान सकते हो कि लोगों की जान जा रही है मेडिकल फैसिलिटी ना होने से, मेडिकल इक्विपमेंट ना होने से, ऑक्सीजन बेड के ना होने से, प्रॉपर इंजेक्शन ना होने से, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, यकीन मानिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट चल रहा है, वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लोगों को लग रहा है, 45 से नीचे वाले को तो फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लगा है, जिन लोगों को सेकंड डोज लग जाएगा उसके 20 डेज बाद पॉसिबिलिटी थोड़ी बेटर होगी बोलते हैं, लेकिन मेरे को एक और चीज समझ नहीं आती है कि अभी तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वैक्सीनेशन के लिए किसी हॉस्पिटल में जाए, और ऐसे हॉस्पिटल में तो बिल्कुल मत जाइएगा जहां पे कोरोना के पेशेंट है, क्योंकि ना वो रिस्क उससे बड़ा हो जाएगा अगर आप वहां जाते हो तो, वो रिस्क उससे बड़ा हो जाएगा अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ये क्यों नहीं समझ पा रही कि ऐसे हॉस्पिटल में आप क्यों वैक्सीनेशन वाला पार्ट प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे कोरोना के पेशेंट, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब यहां पे जिंदगी की बात आ गई है, वहां पे कोई व्यक्ति जा रहा है, पता चला वैक्सीन लगाने के बाद उस एरिया में, उस माहौल में, उस एयर में अगर कोरोना अगर स्प्रेड हो रहा है, इस बात की गारंटी नहीं, डॉक्टर लोग भी अभी तक ये बोल नहीं पा रहे कि ये एयर में भी मतलब स्प्रेड हो रहा है, ऐसा डॉक्टर लोग 100% बोल नहीं पा रहे कि ऐसा नहीं हो रहा है, हो रहा है ये तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा है इसका गारंटी नहीं दे पा रहे। मैं बोल रहा हूं कि अभी समझ नहीं आ रहा है, यकीन मानिए समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत हद तक बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, कोलेप्स कर जा रहे हैं लोग 24 घंटे के अंदर में, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है इंडिया में, आप बिल्कुल इसको मजाक में ना ले, आप ऐसा ना सोचे कि मैं फ्रेंडशिप कर लेता हूं, मैं घूमने निकल जाता हूं, हैंगआउट पे निकल जाता हूं, बर्थडे पे निकल जाता हूं, पता चला ना कि आप खुद को नहीं बचा पाओगे, अपनी फैमिली को नहीं बचा पाओगे और चिल्लाते रह जाओगे, मेडिकल इमरजेंसी में आपको कुछ मिलेगा नहीं, अब ऑक्सीजन के लिए आपके पास जेब में पैसा होगा लेकिन ऑक्सीजन बेड आपको मिलेगा नहीं, हो सकता है आपको नीड पड़े ऐसे इंजेक्शन की, जिस इंजेक्शन की आपको नीड है, लेकिन आप चिल्लाते रह जाओगे, आपको समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे यंग जो लोग हैं, हो सकता है वो लोग इसको बहुत अभी लाइटली ले रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का कोरोना और अभी के कोरोना में डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, वो उतना जानलेवा नहीं था, ये इतना जानलेवा है, आप बचा नहीं पाओगे अपने आप को। तो मैं तो ये सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ के, कि आप जिंदगी को दांव पे ना लगाएं अपनी और आपकी फैमिली की, अगर मेडिकल इमरजेंसी ना हो आप लोगों से ना मिले, घूमने के नाम से ना निकले इवनिंग में, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्क लगाओ, मास्क वाला तो पार्ट ही नहीं आ रहा है अभी, तो आपकी जिंदगी दांव पे लग गई है। अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो तो किसी भी ज्यादा लोगों से मत मिलो, सोशल डिस्टेंसिंग कितना भी कोई बोले ना बोले, आप अपनी जान को बचाओ, आपको जरूरत है कि आप मैक्सिमम लोगों से डिस्टेंस बनाए रखे, जिससे मिल रहे उससे भी बोले कि मेडिकल मतलब जितना भी सैनिटाइज जितना भी हो सके, जितना ज्यादा मास्क वाला पार्ट रह सके, किसी से बात करते समय एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर की नीड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर की नीड है। मैं गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूंगा, अगर ये मेरा वीडियो अगर बहुत लोगों तक पहुंचता है तो बोलना चाहूंगा कि लोग दुआएं मांग रहे ना जीने की, ऐसा मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लोगों को मैं हेल्पलेस देख रहा हूं, लोग मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास पैसा ही नहीं होगा, मैं तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, जो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, जो एक दिन के 50,000 रुपए भी खर्चा कर सकते हैं, उन लोगों का क्या सिचुएशन होगा जिन लोगों के पास मनी भी नहीं है, वो लोग क्या कर रहे होंगे,
उनको तो कोई ऑक्सीजन बेड तो उनको दे ही नहीं रहा होगा, सब फुल बोल दे रहे होंगे, तो सोर्स भी नहीं लगा सकते, पैसा भी नहीं उनके पास। जिनके पास है वो चिल्ला रहे हैं जिंदगी जीने के लिए। यकीन मानिए, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि पिछले बार जो कोरोना वाला पार्ट था तो ठीक है, इट्स ओके वाला मैं सोच रहा था कि ठीक है चल रहा है, चीजें ठीक होगी, कुछ लोगों को हो रहा है, लेकिन अभी ना, मैं बोल रहा हूं बचाइए खुद को, अपनी फैमिली को। और अभी आने वाले जो 10 डेज है, मेरे को लगता है कि आने वाले 10 to 15 डेज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के। आने वाले 10 to 15 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, लेकिन जिंदगी जीने और मरने की बात आ गई है। अपने आप को बचाइएगा, एनी हाउ बचाइएगा, अपनी फैमिली, आपको। आप जिस सिटी में रहते हो वहां पे पहले से ऑक्सीजन बेड के बारे में सब पता कर लो, अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मिलता है वो पता करके रख लो, मेडिसिन घर में रखे रहो, अपने सिटी के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखे रहो। यकीन मानिए, किसी भी पर्सन को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मेरे जानने वाले कम से कम 8 से 10 लोग कोलैप्स कर गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। किसी को भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी विलेज में रहते हो, अपने अराउंड में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखे रहो, मैक्सिमम। कुछ नहीं कर पाओगे, चिल्लाते रह जाओगे। और मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूं कि प्लीज इस मेडिकल इमरजेंसी में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ऑक्सीजन बेड के जो नंबर से वो बढ़ना चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, नीड है। इतना तो पैसा इन्वेस्ट करते हो, इतना तो पिछली बार पीएम जो फंड था, पीएम फंडिंग वाला जो पार्ट था, उसमें हम इतना सारा फंड भी दिए यार, तो वो तो फंड होगा ना, उसको निकालो यार, मेडिकल इमरजेंसी में यूज करो। क्या कुंभ का मेला लगाए रखे हुए यार, क्या कुंभ का लोग, इतना कम्युनिटी स्प्रेड होगा ना कि एक दिन में 10 लाख केस हो जाएंगे, इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए, इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा। एक दिन में अगर 10 लाख केस हो गए, जिस दिन बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा, और एक कुंभ मेला और बंगाल का इलेक्शन, बंगाल के इलेक्शन में यार, मतलब समझ रहे हो, मतलब ईसी जो है वो कुछ भी नहीं बोल पा रही, इलेक्शन कमेटी है वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है, जबकि इलेक्शन कैंसिल हो जाना चाहिए। मैं तो बंगाल के लोगों से भी स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बचा नहीं पाओगे अपने आप को, यकीन मानिए। ये कम्युनिटी स्प्रेड जिस गति से हो रहा है, बंगाल में भी केसेस बचाए जा रहे हैं, वहां तो एक दिन में 1 लाख केस से कम नहीं निकलेंगे, याद रखना, एक दिन में 1 लाख केस बंगाल में। अगर बीजेपी वहां पर हार गई तो आप देखिएगा, 1 लाख से ज्यादा केसेस होंगे एक दिन में वहां पर। और बीजेपी अगर जीत गई तो फिर आपको सही आंकड़े नहीं पता चलेंगे बंगाल के। बस इतना ही। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ करिए, ये मेडिकल इमरजेंसी, यहां पे मरने और जीने की बात है, बाकी सब चीजें बाद में होते रहेगी। यहां पे केयर की नीड है। एटलीस्ट आप हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह इतना तो इक्विपमेंट रखिए कि कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है तो उसको बचाया जा सके। और वैक्सीनेशन पे और थोड़ा सा काम करें, इम्प्रूवमेंट की नीड है। ऐसी जगह पे वैक्सीनेशन ना हो जिस जगह पे कोरोना के पेशेंट हो, किसी होटल में करवा दो, किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाओ जहां पे कोरोना के पेशेंट नहीं जाते। प्लीज केयर की नीड है, और आप सभी लोग अपना केयर करें, अपनी फैमिली का केयर करें। यकीन मानिए, मैं देख पा रहा हूं अपने अराउंड में लोगों को हेल्पलेस, अच्छे अच्छे रिच पर्सन को हेल्पलेस देख पा रहा हूं। मैं विश करूंगा, दुआ करूंगा कि लोग हेल्दी रहे, लोग अच्छे रहे, ये सिचुएशन से हम जल्दी बाहर निकले, ये मैं दुआ करूंगा। ओके, थैंक यू।